आगरा में आज जेल राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे, जिन्होंने केंद्रीय कारागार पहुंच बंदियों की मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण किया। इसी दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने चर्म उत्पादकों के लिए स्थापित उद्योग बैरको का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान बंदियों के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी हेतु बनाए गए कंस कारागार व जन्मोत्सव हेतु उनकी तैयारियों की जानकारी भी की। सेंट्रल जेल में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। बंदी ही राधा कृष्ण का स्वरूप बनेंगे। केंद्रीय कारागार आगरा जन्माष्टमी महोत्सव प्रसिद्ध व सुव्यवस्थित तौर पर मनाया जाता है। इस दौरान सेंट्रल जेल अधीक्षक विनोद कुमार के साथ सभी अधिकारी मौजूद रहे। विकास के माध्यम से और एमईसीएमई के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि हमारे नौजवान कैदी कुछ काम सीखे और काम सीखने के बाद में वो काम करें जो उन्होंने अपना परिवार पीछे छोड़ा है, जेल में से कुछ कमाएं और उस परिवार को दें और जेल से छूटने के बाद वो बेरोजगार न रहें, वहाँ जाकर के जो सीखा है उसे स्वरोजगार करें और अपने आगे का जीवन यापन करें। इसके लिए लक्ष्य ये है हमारा कि कैदी जब बेरोजगार नहीं रहेंगे तो अपराध नहीं करेंगे और यही नहीं, हम जेल मैनुअल में भी लेके आए हैं कौशल विकास को। ये व्यवस्था हम पहले से ही करा चुके हैं, जेल मैनुअल में अभी आया है हमारा, लेकिन ये सभी जेलों में ट्रेनिंग की व्यवस्था हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में काम शुरू हो गया है। पहले ही हमने एमईसीएमई के साथ बैठ करके और ये चर्चा की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा की थी, तो मुख्यमंत्री ने कहा कौशल विकास और जोड़ दो इसमें, तो हम कौशल विकास मैनुअल में ले आए। तो कौशल विकास और एमईसीएमई के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और इसे आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ये जो है सभी जेल अधीक्षकों से हमने पहले ही हम कह चुके हैं कि जहाँ हमारे कैदी भाई कुछ बनाते हैं वहाँ एक आउटलेट की व्यवस्था हो जिसमें उनका बनाया हुआ सामान जनता के बीच जाए और जनता उनके सामान को, बनाए हुए सामान को खरीदे, जिससे उनका मनोबल बढ़े और उनके जो है कुछ न कुछ इनकम बढ़े, वो अपने परिवार की मदद कर सकें। ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं और की है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हमारी जेलों में है, बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए चिल्ड्रन पार्क की हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। कई जेलों में हमारी उसका उद्घाटन मैं स्वयं कर चुका हूँ और यहाँ एक उद्घाटन आपने देखा ही है, कौशल विकास के माध्यम से ट्रेनिंग की व्यवस्था हमारे कैदियों के लिए की जा रही है। ऐसे ही लक्ष्य हमारा कि विकृति मानसिकता कैदियों की न रहे, अच्छे एक इंसान अच्छे नागरिक बन करके बाहर जाएं। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें।